हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोरलरो का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आपको बता ही दिया हमने कोरलरो इंस्टॉल कैसे होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरलरो हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू पे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकंड चैप्टर डाल देते हैं। यहाँ पे इसके नीचे आएगा प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं बट हमें कस्टम पे ही रखना है इसको, क्योंकि इसका पहले से ही सेटिंग हो रखी होती है। देखिए यहाँ पे A4 का ऑप्शन आ रहा है, पेज साइज ओनली सॉरी साइज ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं, किसी भी ऑप्शन में आप ले सकते हैं साइज। A4 में ले लीजिए, लेटर साइज में ले लीजिए, A5 में ले लीजिए, हम A4 करेंगे, ठीक है। ये है आपका इंचेस, किस टाइप में बनाना चाहेंगे आप, इंचेस में, फिट में, मिलीमीटर में, सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। हम इंचेस में ले लेते हैं, ठीक। इंचेस में लेने के बाद नीचे आ रहा है CMY के RGB। आप यदि फ्लैक्स वगैरह बाहर का बैनर वगैरह बना रहे हैं तो उसको आप CMY के में बनाएंगे, इसलिए हम CMY कर दिया। आप 72 पे भी काम कर सकते हैं, 150 पे भी काम कर सकते हैं, 300 पे भी काम कर सकते हैं। फाइल आपकी जितनी हैवी होगी उतना आप कम DPI लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे है प्रीव्यू मोड। यहाँ पे इनहेंसी रहेगा, इस करके ओके कर दिए। आपका ऐसा पेज, न्यू पेज खुल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे पेज साइज लैंडस्केप पोर्ट्रेट, जैसे आपका आ रहा था स्टार्टिंग में वैसे ही आ रहा है। मिलीमीटर है वही चीज जो स्टार्टिंग में आ रहा था हमारा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे। आपके न्यू के बारे में बता ही दिया मैंने, फाइल के बारे में। उसके बाद आता है न्यू फॉर टेम्पलेट। कोरल ड्रॉ वाले कुछ टेम्पलेट हमें ऐसे ही देखने के लिए देते हैं, या कुछ इस पर हम काम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ओपन कर दिया हमने, ठीक। देखिए ये खुल गया ना, ये खुल के आ गया आपके सामने। ये आपका टेम्पलेट का बता दिया मैंने आपको, ब्रोशर है, बिजनेस है, बिजनेस कार्ड है, कैटलॉग है, सारी चीज़ देते हैं। आप थोड़ा बहुत हिंट लेके आगे बना सकते हैं और अपना कुछ बनाना चाहे तो, ठीक है। चलिए इस पे हो गया हमारा। फिर हम जाते हैं ओपन पे। यदि आप कोई इसके अलावा कोई अदर्स फाइल ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ये रिसेंट फाइल। इससे पहले आपने यदि कोई काम कर रखा हो पहले से, वो वाली फाइल है ये। ये सारी फाइल पे मैंने पहले काम कर रखा है इसलिए दिख रहा है वो। ये क्लोज है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये पेज बंद हो जाएगा। अरे क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा कंट्रोल एस से सेव होता है। और नीचे वाला ऑप्शन आएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट एस, ये सेव एज। एक फाइल को आप दो बार सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए सेव एज का ऑप्शन दे रखा है।
उसके बाद आता है आपका इम्पोर्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इम्पोर्ट कर लेते हैं कुछ हम। कंट्रोल आई इसका शॉर्ट फॉर्म है। मान लीजिए आप इसको ओपन कर लेते हैं, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कर लिया हमने, दिख रहा है आपके सामने ये इम्पोर्ट हो गया है। फिर हम जाएंगे फाइल पे, ये दोबारा इम्पोर्ट करना चाहें तो कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं हम। ये देखिए इसको भी हमने इम्पोर्ट कर लिया है, दोनों फाइल इम्पोर्ट हो गई है। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट। यदि आप इसकी जेपीजी बनाना चाहें, पीडीएफ बनाना चाहें, देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं, पीएनजी, जेपीजी, सारी चीज आती है यहाँ पे। आप कोई भी ऑप्शन का बना सकते हैं। चलिए हम जेपीजी पे क्लिक करते हैं, जेपीजी बिटमैप एक्सपोर्ट। इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना, देख रहे हैं जेपीजी बनने वाला है। ओके कर देंगे। फिर आता है आपका एडिट, अंडू। कंट्रोल जेड से अंडू यानी बैक होता है। देखिए पहले इमेज थी, अब नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे शिफ्ट कंट्रोल जेड से, वो फाइल दोबारा वापस आ जाती है। ये आता है कट का ऑप्शन, कंट्रोल एक्स शॉर्ट फॉर्म है, कट हो गया। अब यही पे पेस्ट कर देंगे, देखिए कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, ठीक है। ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया हमने, देखिए यही पे पेस्ट कर दिया। कॉपी तभी होगा जब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा हमारा। डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। देखिए एक की तीन कॉपी बन गई। जेड से जूम का ऑप्शन आता है, आपको बताया नहीं होगा मैंने पहले। देखिए जेड शॉर्ट फॉर्म है इसका, जेड से जूम का ऑप्शन आता है। ये भी आपके चैप्टर का एक पार्ट है, हमने इतने सारे गाइडलाइन ले लिए हैं, ठीक है दोस्तों। आप एक एक करके थोड़ी ना गाइडलाइन डिलीट करेंगे। देखिए एक किया डिलीट कर दिया, दूसरा किया डिलीट, ऐसे नहीं करेंगे हम। गाइडलाइन डिलीट करनी है, सेलेक्ट में एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल गाइडलाइन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एडिट के अंदर सेलेक्ट ऑल गाइड्स पे क्लिक करेंगे। देखिए सारा सेलेक्ट हो गया, अब डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे, डिलीट गाइडलाइन हट गया। वैसे ही आपको एक कुछ बॉक्सेस ऑब्जेक्ट जो भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट वो करके दिखा देते हैं आपको। देखिए हमने कलर कर दिया है, अब एक एक करके डिलीट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ करनी होगी तो फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, जो फोटो वोटो थी वो भी ऑब्जेक्ट में आ गया। डिलीट, डिलीट का ऑप्शन दबा दिया। ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट।